मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कम पानी में और कम लागत में अधिक मुनाफा के लिए आयल पाम की खेती करें। से कम 12 टन के आसपास इनका प्रोडक्शन आता है। जो भी आप क्रॉपिंग पैटर्न आप कर रहे हैं धान को छोड़ करके, आप सभी के साथ इसको इंटरक्रॉपिंग के रूप में या सहायक क्रॉप के रूप में आप ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम अभी यहाँ पर किसान मेले में आए हुए थे तो सर से हमने मिला। यहाँ पर ये सर पाम ऑयल का यहाँ पर जो है डेमो लगा कर रखे हैं और साथ ही लिख कर रखे मुनाफे की खेती। तो सर से हम जानेंगे कि किस तरह से यह मुनाफे की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए, यदि किसान भाई इसकी प्लानिंग करते हैं तो उनको कितना मुनाफा हो जाता है, प्रति एकड़ का हिसाब लेकर के चलेगा सर, जिससे कि उनको एक अनुमान लग जाए। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि सब हमारे जो सामने दर्शक है किसान भाई, उनको अपना परिचय देंगे। जी किसान भाई नमस्कार। किसान मेला आयोजित कार्यक्रम अभी खपरी कुम्हारी जिला दुर्ग में आयोजित है और अभी मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप जितना भी अभी खेती कर रहे हैं उससे हट के अभी पाम ऑयल की खेती है जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये जो भी आप क्रॉपिंग पैटर्न आप कर रहे हैं जी। धान को छोड़ करके आप सभी के साथ इसको इंटरक्रॉपिंग के रूप में या सहायक क्रॉप के रूप में आप ले सकते हैं जी। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो होता है एक एकड़ में लगभग 57 पौधा लगता है, 9-9 मीटर के डिस्टेंस में लगता है, ट्रिंगुलर सिस्टम में लगता है और ये चौथा साल में फलत आना शुरू होता है। वो कम से कम 12 टन के आसपास इनका प्रोडक्शन आता है। मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ में इनका अगर फेवरेबल कंडीशन ना चाहते भी अभी जो DOPR है ना, वहाँ से इनका एरिया अलॉट किया गया है जो छत्तीसगढ़ में 10 जिला को लागू किया गया है जिसमें दुर्ग भी शामिल है और वहाँ का जो फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से लगभग 10 से 12 टन उत्पादन आता है और इनका जो रेट तय किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेट तय करता है, प्राइवेट में कोई रेट तय नहीं होता है। तो अभी 13.34 रुपया पर केजी के हिसाब से है और अगर टन में हिसाब लगाया जाए तो लगभग 13,340 रुपया प्रति टन के हिसाब से। हाँ, और इनका दिखाना चाहूँगा, ये उनका पौधा है जो आपको हम किसानों को उद्यानिकी विभाग के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, है ना। और ये उनका पौधा लगभग ना ये 12 महीने का पौधा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है उनका फीमेल फ्लावर है जी। उसके बाद ये कच्चा फल इस टाइप से आता है, बंच में ही आता है, ये बंच में आता है, बंच में ही आता है। इसका वेट क्या होगा सर लगभग? इसका वेट 15 kg। हाँ, एक पेड़ से एक ही फल आता है? नहीं नहीं, वो चारों तरफ से राउंड में आता है, है ना। तो राउंड में आता है और ये क्या जितना भी पत्ती आता है जी, जैसे ये पत्ती है इनके ऊपर ऊपर में आता है तो एक टाइम में लगभग 4 जो बंच है वो आता है, कई कई में 6 बंच 8 बंच ऐसे, मतलब 4 साल के बाद जो आना चाहिए ना वो 5 साल के बाद उससे ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब 4 साल बाद आता है? हाँ, 4 साल बाद आता है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है और ये 25 से 30 साल तक के जाता है। जैसे दूसरे क्रॉप को हम लगाते हैं, उखाड़ते हैं, कल्टीवेशन करने की दिक्कत होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेबर जो है लगभग एक लेबर आपका 7.5 से 10 एकड़ को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि थाला बनाना है और ड्रिप के माध्यम से पानी देना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कम पानी में और कम लागत में अधिक मुनाफा के लिए आयल पाम की खेती करें, क्योंकि ये केला के बीच में भी आप लगा सकते हैं, आप सब्जी है सब्जी के बीच में लगा सकते हैं, धान वाले फसल है उनके बीच में आपको नहीं लगाना है। बाकी फेवरेबल कंडीशन में छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है, उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक किसान हैं कुलेश्वर राम साहू जी, जो ARS फार्म बड़े टेमरी है ना, उनके यहाँ लगभग 10 एकड़ में लगाया हुआ है और उनके यहाँ उत्पादन अभी आ रहा है। तो हम उन उत्पादन को जो भी है खरीद करके हम अभी आंध्रा के लिए भेज रहे हैं जी। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उत्पादन आएगा उसको नहीं खरीदेगा, ये ट्राईपोर्ट सिस्टम में इनका एग्रीमेंट होता है। जैसे आप किसान हैं उनके साथ उद्यानिकी विभाग है और कंपनी, तीनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि जो भी उत्पादन आएगा उसको खरीदेगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है, सभी तरफ से व्यवस्था है। धन्यवाद। देख रेख के बारे में थोड़ा, तो इसमें जैसे कि सर इसमें कल्चर प्रैक्टिसेस करनी पड़ती होगी। हाँ हाँ। और इसमें देख रेख लगता होगा तो उसमें क्या खर्च आ जाएगा और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती? अब इसमें मुश्किल से एक एकड़ में लगभग 6,000 के आसपास इसका खर्चा आता है, वो पीट डिगिंग आता है और थाला जो बनता है उसमें आता है जी।
ठीक है, उसके अलावा और बाकी तो खर्चा आता नहीं है क्योंकि कम लागत में अधिक मतलब कह सकते हैं। लेबर रिक्वायरमेंट नहीं है, एक लेबर आपका 7.5 से 10 एकड़ तक के मेंटेन करता है क्योंकि सिर्फ थाला बनाना है शुरुआत में 1 मीटर का, दूसरा साल 2 मीटर का, तीसरा साल 3 मीटर और वही कंटिन्यू चलता रहता है। और उनका खाद का अगर भी अगर बताया तो खाद भी 200 ग्राम पर ईयर पर प्लांट, ये लगता है डीएपी, एमओपी आपका 150 ग्राम और आपका जो एफआईएम जो आपका गोबर खाद बोलते हैं तो लगभग 20 केजी के आसपास है ना, वो लगता है। बाकी अगर कहो तो उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए, काफ़ी अच्छे तरीके से किसान भाइयों को आपने जानकारी दी। धन्यवाद।